तो हेलो दोस्तों, माय चैनल आज चैनल बॉलीवुड कॉर्नर। तो भाई लोग, OMG 2 का ट्रेलर आ चुका है एंड मैंने ट्रेलर देखा, रिएक्शन किया एंड मैं इसे कुछ पॉइंट्स के बारे में बता दूं तो ये काफ़ी सिमिलर फर्स्ट पार्ट से तो लग ही रहा है। जो कोर्ट केस एंड ऑल द स्टफ है, पंकज त्रिपाठी की जो इनोसेंट दिखी है ट्रेलर के अंदर वो लाजवाब है। लाइक फील हो रहा था कि कोई आम आदमी कोर्ट में जाके केस लड़ रहा है जिसे कोर्ट का कुछ भी मालूम नहीं है। लाइक वो फील हो रहा था, बोलते ना इनोसेंट, वो लग रहा था देखकर। और जो फर्स्ट शॉट था, जो महाकाल महादेव को दिखाया था एंड नंदी सामने खड़ा हुआ जो दिखाया ना, वो काफी खूबसूरत लग रहा था। लाइक थिएटर में देखने में बहुत मजा आएगा उस सीन को। एंड वो डायलॉग्स बोले जाते तो पता चलता है कि अक्षय कुमार महादेव नहीं होंगे, महादेव का कोई दास होगा। लाइक बोलते ना कि महादेव की सेना में से किसी एक बंदे को ले गए, सो अक्षय कुमार महादेव नहीं होंगे, महादेव के कोई दास होंगे जो मदद करने के लिए आए नीचे पंकज त्रिपाठी की। एंड जो कॉमेडी होती है, जो मस्ती होती है, वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। डायलॉग्स इतने ज़्यादा लैंड नहीं होते, पर जो सीरियसनेस है फिल्म की वो फील होती है कि लाइक पंकज त्रिपाठी के बेटे के साथ जो कुछ स्कूल में हुआ उसके अगेंस्ट में जाके जब पंकज त्रिपाठी अपने बेटे के लिए कोर्ट में केस लड़ता है एंड सारे लोग उसके खिलाफ होते, खुद पंकज त्रिपाठी का बेटा भी, लेकिन फिर भी वो कोर्ट में केस लड़ता है, हार नहीं मानता एंड उसकी मदद करने के लिए महादेव का कोई दास आता है एंड वो चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छी है, म्यूजिक BGM बहुत अच्छा है, एक गूजबम देता है इसका BGM, तो मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लगा। मैं इसके कोर्ट के अंदर के बातचीत को मतलब देखना चाहूँगा कि किस तरह से ले गए, आई होप थोड़ा और अच्छे से लेके जाए, क्योंकि जो देखा जा रहा है डायलॉग से कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म, इन सारी चीज़ों से कनेक्ट कर बहुत सारी चीज़ें लाई गई है सामने। सो देखते हैं ये चीज़ें किस तरह से लेके जाती है। एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है इसकी और गदर 2 की, और अब जब दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर आ चुके हैं, मेरा अटेंशन OMG 2 ने ज़्यादा लिया है। यस, गदर 2 ने इतना अटेंशन नहीं लिया है मेरा, सो आई थिंक मेरी पहली चॉइस यही फिल्म रहेगी। तो आपको क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं बोलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय और जय हिंद।